Om Govinda Gokulananda Gopala Gopi Ballabha Govardhanam Dharam Dhira Tangabandehe Gomati Priyam Guru Govindaya Namaha. Priya Sadhu Brunda, Priya Darshaka Brunda, Priya Bhakta Brunda. Apadamanankara Atepriya Karchakrama Sadhu Bani Ra E Pavitra Parisharaku Apadamanankara Swagat. Again, Aji Sadhu Bani Madhyamare Ame Utiya Sundar Katharakhiju. Utiya Sundar Shloka. Kaun kahe? Putrarthe kriyate bharjya putra pinda pradayaka hita prayojana mitra dhana sarva prayojana. Again, amara puotiya darkar sansarare jette bapa ma achanti समस्त खोजंती पुओटिए पुत्रार्थे क्रियते भर्जिया स्त्रीट को आनंती पुओटिए पाइबा पई आ गोटे कथा मन रखतांतु बापा मांकर जेति की बड़ पुओ बा बड़ झियो ए माने हेले धर्मज माने बापा मांकर धर्म रु ए मानंकर सृष्टि तेनु अधिकांश बापांकर गुण बड़ छुआ पाखरे रही जाए बापांकर चरित्र बापांकर चालीचलन बापांक प्रकृति ये बड़ छुआ पाखरे रही जाए किछि अंश रे आपण माने परीक्षा करंतु किंतु शास्त्र कहे पुत्रार्थे क्रियते भार्जिया आमे विवाह करंती स्त्रीटी को घर को आनंती कोन पाई ना पुओटिया हो हैं के झियो गोजेनी किंतु पुओ गोजंती किंतु आज्ञा झियोर महत्व मध्य अनेक अनेक पुत्रार्थे क्रियते भर्जिया पुओ को एति पाई खोजंती ना पुत्र पिंड प्रदायक पुओटिए हेले सी हमकु पिंड दबो आज्ञा पिंड पाइबा पई पुओ दरकार तो शास्त्र कहिला आपण मला परे आपण पिंड पाउचंत कि न पाउचंत से कथाटा सत्यता कहिबो कि जौटा रे किछि निश्चितता नाही ता पई पुओर भी आवश्यकता नाही मु देखिछि लोकमानंकर तीनटा पुओ चारटा पुओ पांचटा पुओ किंतु बुढा बुढी बुढा काले के निजे रोसेई करी गंडे खाउचंत कोन मूल्य से पुओ रे चिंता करंतु आज्ञा पुत्रार्थे क्रियते भर्जिया आम कथा किछि लोकंकु आघात लागि पारे किंतु लागु पछे सुनंतु पुत्रार्थे क्रियते भर्जिया आउ पुत्र पिंड प्रदायक पुओटिए जन्म हेले पिंड दबो मु मल्ला बेले मु मुहरे निया दबो मरिगला परे मते कांधेइ कि मशाणी पर्यंत जीव एइया ना गोटे पुओ बदल जदि संसार पुओ दृष्टि देखती आपण मला बेल को परा संसार सारा लोक आपण पाखे ठियाे किंतु ना शास्त्र कहे आउ गोटे कथा ना पुत नामक नर्क कुंड रु पुओ कड़े उद्धार कै गोटे नर्क अच्छे एट पुत नामक नर्क गोटे पद ना गोटे नर को उद्धार पुत्र मना सन्ती जने किंतु न जानती पुत्र कुपुत्र होइले कोटी नरक को टाणे गाउली माँ मैंने ढग कहती पुओ जदि जोगा धन कहीं संचु पुओ जदि अजोगा धन कहीं संचु नाई भागवत कहे पुओ होउचंती तीन प्रकार किए किए ना उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र अधम पुत्र तीन प्रकार पुत्र भागवत कहे उत्तम पुत्र किए
ना उत्तम पुत्र सीए जीए बापा न मागिबा पूर्वरु तांको पाखरे जिनिसटी पहुंचेई दिए एवं आज्ञा पालनकारी बापा पान खांती तांकर पान सरी जाइछि बापा न मागिबा पूर्वरु जे पानटी नेकि बापा पाखरे पहुंचेई दिए एला उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र किए बापा कहिबे अरे पुओ पान सरी जाइछि रे टिके पान आनी कि दे मते पुओ जाई कि आनी कि दबो ये हला मध्यम पुत्र बापा कहिला परे जे आनी कि दिए अधम पुत्र किए अरे बापा पान सरी जाइछि पान दिखण आनी दियंतुनी हा एकना टीवी रे क्रिकेट मैच दउछि तमरे इमिति पान खाइबा अपेक्षा करू न मु जाई परबिनी एमानकु कहंती अधम पुत्र आकु सिना भागवत गइला किंतु उपनिषद कहछि अलगा कौन कहिला उपनिषद कहे पुओ हेले चारि प्रकार कौन कौन एक शत्रुपुत्र दुई अरुणानुबंधी पुत्र तीन उदासीन पुत्र चार सेवक पुत्र ये चारि प्रकार पुत्र किए किए प्रथम है शत्रुपुत्र शत्रुपुत्र माने आपणकर पूर्व जन्म रे केही जने आपणकर विराट शत्रु थिला जे कि चेष्टा करे सब बेले आपणकु खाल रे पकेइबा पई आपणकर विपद पडु आपण नष्ट हे जांतु आपणकर धन संपत्ति नष्ट हे जाउ आपण खाले रे पडंतु जे सब बेले चिंता करूतला किंतु पकेइ परु नथला ए जिए जोटा भावे जहा कथा भावे तारी रूप नहीं कि जन्म हुए ना तेणु पूर्व जन्मर विराट शत्रु ए जन्म रे जदि पुओ रूप रे आपणकर जन्म हुए से कौन करे शत्रुपुत्र धन संपत्ति तो उड़ेब उड़ेब ता संगे आपण को नहीं कि जेल रे ठिया करेब केमिति आज्ञा एमितिया काम पुओ करिब पुलिस वाला पुओ को खोजिबे पाइबे नि फेरारे हे जिबे बाप को ने कि पुलिस बांधी के थाना रे परियो तो पुआ आइले तू बाहरिबु एवं पांच पुओ जदि थिबे चाहे समस्त को भागवांट कर कि बाप दे दबो गोटे पुओ भागवांट रे संतुष्ट होबनी बाप ना रे जाई कि कोर्ट रे केस करिवो बाप को काठगोडा गुटाणिबो एई भली पुओ माननकु कुहा जाय शत्रु पुत्र माने एमाने पूर्व जन्म रे आपणकर शत्रु थिले ए जन्म रे प्रतिशोध नबा पई पुओ रूप रे जन्म हेले देखंत उपनिषद कथा ये द्वितीय ऋणानुबंधी पुत्र ऋणानुबंधी पूर्व जन्म रे जी आपणक पाखरु किछि ऋण नैथिबो करज नैथिबो सुझि नथिबो ए जन्म रे सी पुओ ही कि जन्म हेबो एवं बाप मांकर ऋण सुझीब बहुत भल पाए से ऋणानुबंधी पुत्र जीए सी बहुत भल पाए ता बाप मां को बापा टिके भी जमी असुविधा हवा को दिए एवं सब बेले बाप मां को कथा ही भावु थाए सी हला ऋणानुबंधी पुत्र पूर्व जन्म रे ऋण करिथिला ए जन्म रे सुझुची बास ऋणानुबंधी पुत्र तृतीय उदासीन पुत्र माने एमिति किछि पुओ अछंती देखंतु उदासीन पुत्र अर्थ निजे किछि करिवनी जीवन सारा किछि करिवार नै बापा अछंती बंची चंती किछि करिवार नै बापा विवाह कर देले मो स्त्रीट जदि आसीबो ताकु मो बापा भी पोसिबे मो छुआ पिला हला तांको खतम बापा ही बुझिबे जीवन सारा किछि करिवार नै खाली बापार धन खाई सारिबाटा मुख्य एमानंकु कुहा जाए उदासीन पुत्र एमाने केवल बाप नारे मारी चालंती आउ बाप अंते एमानंक जीवन दुख दुर्बिषह हि पड़िथाय एमानु कहंती उदासीन पुत्र नंबर चार जी हला सेवक पुत्र माने मु तारि कथा कहिबी ये सेवक पुत्र किए जीए जीवन सारा केवल बाप मां मूर्ति को हृदय रे धारण करे एवं बापा ही देवता
माँ ही देवी ए गोटिक कथा मुंडरे ज्ञान करे ताकु कहंती सेवक पुत्र बहुत सेवा करे ये काहेकि जानिचंती ना ए सेवक पुत्र जिए सी पूर्व जन्म रे अनेक सेवा पाई थाए जद्वारे जो सेवाटा पाई थाए ए जन्म रे से दिए क्या दिए ना बापा माँ को ही दिए आपको कहती सेवक पुत्र पुओ है चारि प्रकार जो सेवक पुत्र बोली जहाँ को मुँह कहली ये किए जानी केमिति का गोटे छोटिया उदाहरण दूची मुझे आपण मानक सेवक पुत्र क्या कह बास्तव में सेवक पुत्र किए खाली सेवा करी पुओ बाप माँ को तो कि पुओ अच्छा सेवा करती खाली सेवा कले पुओ नाई हृदय भितर सेवार मनोवृत्ति रही दरकार एमितिया पुओ किए गोटे बढ़िया पुओ कथा मुझे आपन को आज कौच विरती विरती पर स्वागत प्रिय ज्ञानी बंधुगण देखु सेवक पुत्र आपण मैने ना शुणी जनक ना पुंडरिक ए पुंडरिक किए भक्त श्रेष्ठ पुंडरिक ये जीवन रे क्या चिन्हे जदि चिन्हे केवल ता बापा आउ माँ सबुठ बड़ देवता आज्ञा बास्तव में मध्य यहाँ सत कहीं पिता माता ठारु बड़ देवता के स्वर्ग राइजे ना आपण स्वर्ग खोजिले बाप माँ ठू बड़ देवता क्या पाइबे आज्ञा बहुत बड़ देवता से माने संसार भितर पुओ को अमर बर हबार आशीर्वाद कहीं दे पारे नहीं कि बाप देदेला सी हूँ सांत्वनु बर दे भीष्म देखत ये पुंडरिक बोली जो पुओ आर उद्देश्य एवं लक्ष्य हूँ गोटे नीति रे चलिबो सत्य रे चलिबो एवं बाप माँ सेवा करिबो बस आउता हृदय रे उद्देश्य किछि नाही मन भितरे कोनोसी कथा मध्य नाही प्रत्येक दिन सकाळ उठिबो बाप माँ को मुंडिया मारिबो आज्ञा गोटे सभा रे मु भाषण दौ थाए से सभा रे बहुत लोक थांती मु पचारिली ए सभा रे जेतिकी बाबू माने अछो हाथ टेकिलो किए प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्या बेले ता बापा माँ को मुंडिया मारुची हाथ टेकिलो पांच हजार लोक सभारे थिले उठिला समुदाय पांचटी हाथ चिंता गले आमे जदि बाप माँ को मुंडिया न मारिबा का को मुंडिया मारिबा ओहो मरीगला परे तांको फटु को मुंडिया मारिबा कल्याण किए करिबो जीवंत तो आशीर्वाद पाइबा आम भाग्य रे नाही मला परे से आशीर्वाद को किए दब बची थिला बेले लोक को किछि मिलेनी मला परे मरणोत्तर उपाधि आमे ताकू दियंती अरे बची थिला बेले दियो देखंतु आज्ञा ए जो पुंडरिक भक्त आकु दिने परीक्षा करिबा पई भगवान श्रीकृष्ण निजे आसिले पुंडरिक सेतबेले कौन करू थाए बापा सोइचंती माँ सोइचंती माँ करो पाद को घसिला आग माँ करो सेवा कला माँ को जेतबेले नीत हो गला तबरे बापांक पाखकु आसिला बापा ए पुंडरिक भक्त बापांकर पाद घसुची घसवा आरंभ करिछि भगवान कृष्ण आसिक दुआर मुहर पहुँची गले डाकिले भक्त पुंडरिक पुंडरिक घर भितर जवाब देला हाँ किए कहउचंती बाहर प्रभु कहिले अरे मु श्रीकृष्ण मु भगवान आसीचि तते दर्शन देवाई बेगिया घर भितर थैंक यू पुंडरिक कहिला प्रभु एठु थैंक यू प्रणाम करुची आपण को मु जाई पारुनी आज्ञा आपण को दर्शन करिबा पई मन बिड़ीबा पई प्रभु पुणी पचारिले अरे मु स्वयं नारायण तो दुआर मुहरे ठिया हेची तू मना करुचु मु जाई पारिबिनी बोली पुंडरिक कहिला कला प्रभु आपण को तो मु केबे देखिनी आपण की नारायण किंतु मोर चलती नारायण जी मुरा सेवा करपेक्षा करूँ बापा सेवा सारे मुण पहुँची आपण को दर्शन करी जदि असुविधा हो नि खंडे ईटा
ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ପୁଣ୍ଡରିକ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିକି ବାହାରକୁ କପାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବା ସାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଇ ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥା। କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଇଟାଟି ପଡ଼ିଲା ତଳେ, ଇଟା ଉପରେ ସେମିତି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଧାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ଭକ୍ତ ଯାଇତାଇ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ପିତୃ ମାତୃ ସେବକ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ କବି ସାଲବେଗ ସେଦିନ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଚ୍ଛା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ଭକତଙ୍କ ପଛେ ତୁହି ଥାଉ। ସେହି ଭାବେ କୋଉ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ ସେଇ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ ଥାନ୍ତି। ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଠିଆ ହେଇ 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 ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲା, ପୁଣ୍ଡରିକଙ୍କ ବାପା ବୋଧେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟା ଆଉ ଥରେ ଘଷ, ସେ ଗୋଟା ଆଉ ଥରେ ଘଷ, ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣ୍ଡରିକ ବି ଆସିପାରୁନି। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲା, କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧି ବିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣ୍ଡରିକ ଆସିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କ'ଣ କରିବି, ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷୁଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଧନ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ପୁଣ୍ଡରିକ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତୃ ମାତୃ ସେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡରପୁର, ପୁଣ୍ଡରିକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଇଛି ପଣ୍ଡରପୁର, ଯେଉଁଠିକି ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିଠଲନାଥ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଠଲନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡରପୁର ଗାଁରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଲେ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ନାଇଁ, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବକ, ପିତାମାତାର ଯିଏ ସେବା କରେ ଭଗବାନ ତା ଦୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଯାସ, ଏ ବାଣୀଟି ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ତ ଗଲା ବାପାଙ୍କ କଥା। ମା ଆକବରଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବିଦୂଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବୀରବଲ୍ଲ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀରବଲ୍ଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ, ବୀରବଲ୍ଲ ଜଣେ ଭଲ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ବୀରବଲ୍ଲ ଦିନେ ରାଜସଭାରେ କେହି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରବଚନରୁ ଶୁଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମାର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବନି, ମା ପରି କିଏ ହେବ, ମାର ଋଣ ବା କିଏ ଶୁଝିବ, ଦିନ ରାତି କୁହାଟିବ, କିଏ ହବ ମା ଭଳିଆ, ମାର ଋଣ ସଂସାରରେ କେହି ଶୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ କହୁଥାନ୍ତି, ବୀରବଲ୍ଲ ଶୁଣିଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ମା ମୋତେ ଦିନି କହେ, ପୁଅରେ ହେ ସୁନା କିଛି କିଛି ଆଣିକି ରଖ ଘରେ, ଧନୀ ହବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମା କହେ। ତେଣୁ ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ ଯଦି ପୁଳାଏ ସୁନା ଏକାବେଳେ ନେଇକି ମା ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି, ମାର ଋଣ ଶୁଝିଯିବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ବୀରବଲ୍ଲ ଆକବରଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋର ପୁଳାଏ ସୁନା ଦରକାର। ଆକବର କହିଲେ କେତେ ନେବେ, ବସ୍ତା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ପୁରେଇକି ସୁନା ନେଇଯିବେ, ଯେତେ ଦରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କୁ ତ ଅଦେୟ କିଛି ନାହିଁ ନା, କାରଣ ଆକବର ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୀରବଲ୍ଲ କଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଖା ବସ୍ତାଟିଏ ନେଇଗଲେ, ପଳେଇଗଲେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ, ଭଲ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ସୁନାରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ବସ୍ତାଟି ମୁଣ୍ଡେଇ ନିଜେ ବୀରବଲ୍ଲ ଘରକୁ ଗଲେ। ମା ବସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମା ପାଦ ତଳେ ଏ ସୁନାମୋହର ବସ୍ତାଟି ଏମିତି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ସୁନାମୋହର, ଝଣଝାଣିକି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ମା ବୁଢ଼ୀ ଅନେଇଲା, ଆରେ ବା ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ, କହିଲା ମା ତୁ ମୋତେ ଦିନ କହୁନା ପୁଅ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସୁନା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ରହ ଘରେ ଘରେ, ତୁ ଦିନ କହୁନା ମା, ନା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ସୁନା ନେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତେ ସୁନା, ନେ
ए सुना को रख माँ खुशी हो गला बीरबल ये कहले माँ ये सुना बस्ता टा तू रखी था आते ऋण मुक्त कर माने तो पाखरे सब माँ को पाखरे पुओ माने जो ऋणी नुह ये बस्ते सुना मोहर में जदि ऋण मुक्त मु न होउची मत जदि कहबू आउरी सुना मोहर आनदेबी केते सुना मोहर पाइले तू मत ऋण मुक्त बोली तू मार ऋण सुझीदेलु बोली कहबू कहलु माँ माँ मुहरें जो हसटी थी हसटी लिभि आईला कहला ओहो ये मो ऋण रु मुक्त हाबापी सुना मोहर दौची अच्छा अच्छा ये बीरबल माँ कहले पु जदि ऋण मुक्त हाबाक चाहूचु मु छोटिया कथाटे कह मानबू कहला कौन माँ माँ कहला पु आज रातिटा तू मो पाखे टे शु कहला ये गोटे सामान्य कथा मुझी कि कहला तो सुना मोहर को बापा तो सियाड़े रख तू खाली मो पाखे रातिटा शड़ मो ऋण रु तू मुक्त हो बीरबल राजी हेले शोले माँ पु शीत दिन हाँ माँ जो कंथा पटिया बिछे कि शोची तारी उपरे बीरबल शोले माँ पु सांग एकाठी गोटे बिछण से राति टिके बढ़ी जाइछि बीरबल को टिके निद आसी जाइछि माँ हठात उठेला पु पु बीरबल उठिले हाँ कौन है माँ पु मत टिके पानी दे रे सोसटा होउछि उठिगले बीरबल सांगे सांगे पानी टिके आनी देले पानी अधा पीले माँ आउ अधाटा से बिछणारे ढाल देले शीत दिन बिछणारे पानी पड़े जहाँ लगे बीरबल कहछि माँ ये कौन तू बिछणारे पानीटा कहीं ढालू कह ना रे पु जानी हाथ रू ढलीगला तो हाउ आउ ढाल पु शोले पुणी टिके निद ये आसी बीरबल को माँ पु पु बीरबल कह कौन है माँ आउ टे पा दे पु शोष होीरबल पुणी उठिकी गले कह माँ थे तो पा पीलु केतर रात पीऊु उठी गले पुणी पा अध ग्लास आने पुणी अल्प माँ पीछे कि ना पा गुड़ा सब बिछड़ा ढालीदे माँ ये कौन करुचु तू मुझे शोबी ना शोबी नहीं तू थर को दिथर पा ढालु बिछणा हाँ दिथर काल पा मगिलु तो थे पा पीबू शोबे तो नाई रे बापा बुढ़ी मनीष तो नाई नाई गुटा ये पा ढालू मुझे शोबी केमती विरक्त ही उठला बीरबल ये माँ कहले पु ऋण सुझु परा हाँ दी थर निद भांगीदेलु बोली विरक्त हेलु जो कुनी छुआ है क्षीर खाऊ मो कोल पशी ए मुझे शोथी कि नाई रे काऊकी कांदू सांगे सांगे उठिक तो पटी क्षीर धराए मु केते थर बिछड़ा मुति देचु परिश्रा करिचु केते थर ए बिछणा केते ओदा हो जाइछि केतेटा शीत दिन केते मास मास मो बिछणा ओदा से परिश्रा उपरे मु सोइछि रे मलत्याग करिथुबु झाड़ा फेर देथुबु तारी उपरे सोइछि रे मु तो परिश्रा उपरे सोइछि तो मलिया उपरे सोइछि केते पानी ढाला हैछि ता उपरे सोइछि मास मास तू गोटे राति भी सोई पारलुनि हाँ मार ऋण परिशोध करिबु बोली एथिरे कहुतुलु बीरबल भो भो कांदिले बीरबल माँ गोड़ तले पड़गले माँ सतरे माँ मार ऋण ये जगत में एमती पु कहीं जन्म है जी ता ऋण परिशोध करदेव मो भूल मुझे बुझीपारे माँ तेणु बाप माँ ठू बड़ देवता स्वर्ग में भी कहीं ना आज तो समय हो जाए आज अनुचिंता मु देखी किछि लोक नदी कूल रे जो मंदिर नदी कूल माने जो मंदिर सब स्थापन किछि बाबू माने नदी रे गाधांती एवं सेई ओदा लुगा पिंधी मंदिर भितर मु जाई कि ठाकुर को मुंडिया मारती ए काम केबे करिवेनि आज्ञा कारण ओदा लुगा पिंधी केवल जणे देवता को मुंडिया मारी हबो सी हेले सूर्य किंतु ओदा लुगा पिंधी केबे मंदिर को जिबेनी बा ओदा लुगा पिंधी आउ कौनसी ठाकुर को मुंडिया केबे मारिबेनी एहा कले अशुभ एहा मानिले मंगल हब आज पई तो साधुबाणी एतिकि पुणी आगामी अध्याय रे भेट हबा रहुछि गुरु गोविंदाय नमः।